देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में रजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। सुलगते सवाल में देखिए आज की बड़ी खबर। जिला मुख्यालय के समीप स्थित पंचायतों के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा छोटी नदी एवं नालों पर बनाए गए चेक डैम, स्टॉक डैम, तालाब आदि का घटिया सामग्री से निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें बाढ़ के दौरान थोड़े से जल भराव से ही उखड़े चेक डैम एवं तालाब में भरे पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया और शिवपुर नगर एवं गांवों में भर गया पानी, जिसमें हजारों लोगों एवं पशुओं की मौत होने की संभावना बताई गई है एवं फसलें तबाह हो गई हैं एवं हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जिसके मुख्य जिम्मेदार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी, जिला पंचायत सीओ, इंजीनियर एवं सरपंच हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों में किए गए निर्माण कार्यों की शिकायत कई बार जिला मुख्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश शुक्ला शिवपुर को की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। ना तो कोई टीम निरीक्षण के लिए आई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। लोगों का कहना है कि जल भराव क्षेत्र में अगर निर्माण कार्य अच्छी सामग्री से होता है तो चेक डैम व तालाबों में बारिश का पानी बाढ़ का रूप ना लेता, जिससे जनहानि होने से बच जाती। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ श्री राजेश गुप्ता पर नहीं हुई है अभी तक कोई भी कार्यवाही।